कभी नहीं मौसी, आप तो खाली खाना मांगते हैं मौसी, हम सारा काम कर लेंगे, जितना आपका घर है ना हम सब कर देंगे, सब कपड़ा वपड़ा सब पीस देंगे, हमको खाली खाना दे दीजिएगा मौसी। क्या क्या काम करवाते? ऊपर तीन तला बिल्डिंग पूरा साफ करवाती थी, कपड़ा धोवाती थी, बर्तन धोवाती थी, घर पोछा उछा सब कुछ करते थे, खाना उना सब करते थे। फिर भी मामा कहते तुमको खाना नहीं बनाने आता, हम सारा खाना बनाते हैं, सारा काम करते हैं मामा। मोती झूठ बोलती है, मामी को भी जाके झूठ बोलती कि हम करके देते हैं, तो कुछ नहीं करती है। बोल नहीं मामी, हम सारा काम करते हैं, आपको तेल से लेकर सब कुछ करते हैं, हमको माफ कर दो मामी, इन लोग का साथ मत भेजो, ये लोग मार देगा हमको, जान से मार देगा। रात में तुमको सिक्कड़ से क्या बांध देगा? हाँ, क्या कर देता? रात में हमको सिक्कड़ से बांध के छोड़ देगा, कहता इसको खुला छोड़ेंगे ना तो जाके सारा सामान चोरी कर खाएगी, सारा सामान चोरी करके खाएगी, इतना ही बदमाश है। कहाँ रखता था बांध? बांध के एक मैं दूसरा रूम में छोड़ देता था, बांध के जिधर खाना बनता था ना वही पे बांध के छोड़ देता था। मेरा हाथ में, गाल में, पीठ में, पूरा पैर में सुई भोंकता था, सुई देता था हमको, कौन सुई देता था नहीं पता, नींद आ जाता था। नींद का सुई देता? हाँ, बहुत दवा, ओफ्रोल दवा रोज खिलाता था, रोज ओफ्रोल दवा देता था हमको खाने के लिए, ओवरेज देता था, लूपा मेड देता था, सारा दवा खिला खिला के बोलता था खाओ और काम करो। मना नहीं की हमको ये दवा नहीं खाएंगे? बोले नहीं दीजिए मामी, हम नहीं खाएंगे सब दवाई, हम मेरा एमसी तो होता है, हम नहीं खाएंगे, हम दिसंबर से एमसी नहीं जाते थे। फिर भी मैं बोलती, मौसी बोलती थी खाएगी, चुपचाप से खाओ, ऐसे मौसी बोलती थी, रोज देती थी हमको दवा खाने के लिए। वो एमसी रुकने की दवा देती थी? हाँ, बोलो। बिना पानी का? बिना पानी का दवा देती थी, एमसी कल रहता था, कभी एमसी नहीं होता था हमको, कभी नहीं एमसी हुआ है। कब से एमसी बंद है? दिसंबर से ही, पूरा मेरा पेट एकदम फूल गया है कि एमसी नहीं हुआ, अब मार के अभी तक हम झुक भी नहीं पाते, इतना मारता है लोग, बहुत मारता है, कहता है कि ज्यादा करेगी ना तो देख लेना, जो भी सुई तुमको शरीर में भोंके ना अभी देखना ना, इतना भोंकेगी कि मर जाएगी तुम। आज पूरा कबाड़ की टेकली बना दी। तुम कभी चोरी की थी क्या? हाँ। क्या चोरी की? खाना चोरी करके, रोटी चोरी करके खाए थे, इसके लिए हमको मारता था बहुत। क्यों चोरी की थी? तुमको खाना नहीं देता? नहीं देता था खाना, इसीलिए हम चोरी किए थे, रोटी खाने के लिए रोटी खाएंगे, तो देख ली मौसी की रोटी चोरी करके खाई है ना, रू को बताते है, तो मामा मौसी दोनों मिल के हमको मारा, सुनील प्रसाद मिकी कुमारी दोनों मिल के हमको मारी, क्या चोरी करेगी रू को बताते, झंझरा से फिर यही झोल झाड़ने वाला डंडा नहीं रखता, उससे मारता था, उससे मार के एकदम ठीक करके बहुत मारा, इतना नहीं है, काट काट के मारी है पूरा, ये सारा चाकू से काटी, पूरा काट के मारी, ये सारा दाग तुम्हारा मार का है? हाँ, मार के एकदम ठीक किया। और कहाँ दाग है तुम्हारा? ये देखिए पूरा, नहीं पूरा तेल से पूरा जलाई है, पूरा पैर मैंने कीड़े से करके मारी है, पूरा हाथ में एकदम नोच के काटी है, देखिए ना, और मारी है, बहुत मारी है, बहुत ज्यादा, मेरा नी गरम तेल से जला दिए, देखिए कैसे गरम तेल से जलाई है, गरम करके तेल से जलाई है, देखिए पूरा ही, कहाँ दिखाओ, पूरा ही पूरा तेल से गरम करके जलाई है, और अभी हाथ में कहाँ दिखा रही है, ये सब देखिए कैसे जलाई है, देखिए ये सब अभी तक नहीं दाग छूटा है, देखिए कैसे जलाई है, ये सब में पूरा गरम करके एकदम तेल डाल के एकदम जलाई है, आप हट जाइए, आप देख लीजिए पूरा, कहीं भी ऐसा नहीं कि दाग छोड़िए, पूरा मार के काट दिए, अभी तक ही सब दाग बनल है। कौन कौन मिलके मारता था? मिकी कुमारी, सुनील प्रसाद, वही दोनों मारती थी, उस मौसी लगते उसकी साली थी, सुनील प्रसाद की साली है, वो मारता था, क्या करता दवाई देता था, क्या करता?
सुई भोंकता था। क्या करता है वो? क्या काम था? डीओ है, एलआईसी का डीओ है, एक ओमिया में एलआईसी का डीओ है। तुमको यहाँ से ले गया था, वो वहाँ पटना काम गया? हाँ, बोला था कि मेरा घर चलो काम करने। किससे बात? किसी से नहीं। किससे बात करे तुमको ले गया? मामा से। तुम्हारे मामा से? हाँ। क्या नाम था? राजा ठाकुर। तो क्या बोला था कि पैसा उसे देंगे? बोला था कि तुमको पैसा देंगे 8,000 रुपए, पर कभी नहीं दिया। आज से 1.5-2 साल हो गया, कभी पैसा नहीं दिया हमको, कभी नहीं दिया है। तुम्हारे साथ कभी गलत संबंध है? हाँ, गलत किया मेरे साथ। क्या गलत? पूरा मेरा शरीर में चढ़ के सब दाग के एकदम नोच नोच के दाबता था, सब सारा में एकदम पूरा शरीर में से चढ़ के मारता था, एकदम चढ़ चढ़ के। मामा सुनील प्रसाद कुछ गलत काम नहीं किया तुम्हारे साथ? हाँ, पूरा मेरा शरीर ना सारा कपड़ा उतार के छोड़ देता था, बोलता था ऐसी नंगे काम करो, ऐसे बोलता था। हाँ, शरीर का सारा कपड़ा उतार दे, नंगा हम काम करते थे, कहता कोई कपड़ा नहीं देंगे, और कपड़ा मिला भी था एक बार तो पूरा भींगा कपड़ा पहन के रहते थे। मामी कुछ नहीं बोलती थी, उसका कैंसर बीमारी कुछ नहीं बोलती थी, नहीं मार पाती थी उसको, कैंसर था वो नहीं मार पाती थी। ऐसे एकदम दाग आया पूरा, देखिए कैसे दाग दाग के एकदम सब में नोची है। कही की जब तेरा माँ बाप तो मर गया तो तुम क्या जिंदा रहेगी? कारो ने तो मार कर मरा देंगे हम। तुम कभी अपने माँ बाप को कर्म नहीं किए? बोलने जाते थे ना तो सब बैठ के ना, बोलो तुम तेरा मोबाइल लेने रहे तो तुम बात किससे करेगी? मोबाइल छीन लेते हैं जब बात करना, मोबाइल छीन लिए, मोबाइल ले ली, मेरा आधार कार्ड ले ली। कही जब रहते नहीं रहे जाएगी कहा तुम? सब आधार कार्ड सारा छीन ली, बोली नहीं देंगे तुमको। शरीर में ऐसा ऐसा इंजेक्शन लाते थे रोज, मामा लाते थे इतना ज्यादा, और सब में भोंकते थे मामा, ये सब गाल रूल सब, मेरा गाल नहीं इतना फूटा था, गाल में सुई भोंका गया। तुम एक दिन नहा रहे थे तो तुम्हारे साथ क्या किया? आया नहा रहे थे, हम बोले मामा मत आइएगा, इसमें कुंडी नहीं है, मामा मत आइएगा। मामी बोली जल्दी कपड़ा पहनो। बाथरूम में नहा रहे थे तो वहाँ नहाने लगे तो बाथरूम में, उसके बाद मामी बोली कि जल्दी नहाएगी तुम? हम बोले नहा रहे मामी, ठंडा लगता है, रात में 1 बजे नहाएंगे तो ठंडा नहीं लगेगा। हाँ, 1 बजे रात में नहा रहे थे। मामा बोले नहाओ नहीं तो नहा के काम करो। तो वही नहाने लगे तो मामा बोलते है कि नहाएगी जल्दी की हम आए मिर्चा लगा देंगे, और घुस के पूरा शरीर में पूरा मिर्चा लगा दिए। हाँ, उसी में घुस के आता था, उसी में घुस के आया था, और पूरा में मिर्चा लगड़ लगड़ के नंगा थे, ऐसे ही नहा रहे थे बैठ के, नल था, नल में ऐसे बैठ के नहा रहे, पूरा में मिर्चा शरीर में लगा दिया। कहा नहाओ अब बैठ के, वहीं पे खड़ा था, बोला नहाओ नहीं तो देखो भी और लगड़ेंगे, बैठ के वहीं पे खड़ा होके देख रहा था वो। पूरा पूरा मैं मारता था, बहुत सुइया तो इतना नहीं, बहुत सुई देता था रोज, 1.5 साल से बहुत सुई दिया है। डंडा से माथा इस में माथा देखिए, माथा कैसे फाड़ा है देखिए, पूरा माथा फाड़ा है काट के एकदम, आंखों का पल्ला सारे में मार के बहुत मारता था, बहुत इतना नहीं। तो यहाँ से कब लेके गया? 2016 में लेके गया था, दिसम्बर में। कभी आने नहीं देता था, कभी आने नहीं देता था। हम 2018 में आए हैं, जुलाई में। कौन लाने गया? कोई नहीं लाने गया, तो पुलिस के साथ आए हैं। पुलिस के साथ? हाँ, पुलिस के साथ आए। कौन पुलिस? पटना पुलिस में? यही पुलिस, रमेश हंसदा, ये यहाँ से लाने गया? नहीं, यही बुलाया था वहाँ से फोन करके, फिर आया तो यही लेके गया था हमको कोर्ट। तो कोर्ट में भी जज बोला ना कि इसका पहले मेडिकल करो, इसका साथ रेप हुआ है, तभी भी कोई मेरा मेडिकल नहीं किया, कोई नहीं। जज बोलते गया कि इसका पहले, रमेश हंसदा को बोला ना कि जाओ पहले इसका मेडिकल करके आना, तब मेरे पास गवाही देगी। कोई मेडिकल नहीं किया, कोई भी नहीं, कहा कि जाएगी पटना पहुंचा दे, चलो सुनील प्रसाद पर पहुंचा देते हैं, ऐसे बोलने लगा रमेश हंसदा। यहीं पे पुलिस है,
गोमिया थाना का पुलिस है, कुछ भी नहीं किया, नहीं कहीं मेडिकल नहीं लेके गया, कोई दवाई कोई सुइया नहीं था, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, कोई चीज नहीं हुआ, मम्मी करवाई, कोर्ट में गवाही हुआ, कोई गवाही नहीं देनवाने लिया, कोई गवाही नहीं, ऐसे छोड़ दिया, कहा कि नहीं तेरा सब कुछ नहीं हुआ, झूठ बोलेगी यहाँ, ऐसे बोलने लगा था। कुछ भी नहीं, मेरे साथ कोई जगह नहीं, कोई जगह कोई रिपोर्ट नहीं लेके गया कि जिंदा है कि मर गई, आया भी नहीं देखने के लिए। हम लोग का नाम बोलो। जज साहब के पास बयान नहीं हुआ? नहीं हुआ, बयान नहीं हुआ, बुलाया था कि कोर्ट में इसको फिर से लेके आना कि इसका मेडिकल करवाओ जल्दी, वहाँ मोहर मार के मेडिकल करवाने के लिए दिया, तब भी कोई मेडिकल नहीं हुआ, कोई गवाही नहीं हुआ, कहा कि नहीं तेरा साथ कुछ नहीं हुआ है तो तेरा मेडिकल करके क्या करेंगे, ऐसे बोला चलो फिर से पटना हम सुनील प्रसाद पास पहुंचा देते हैं, ऐसे बोलने लगा, वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग किया, कहा कि सच बोलो हम सुनील प्रसाद पास जाएंगे, मेरा मामा है, बोलो ना मेरे संस्था थाना में बुलवाया था, बोला बोलो कि हम जाएंगे अपना मामा पास, बोल के उसके बाद मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके काट के रख लिया, बोलता है कि बोलो तुम्हें नहीं जाएंगे, हम जा रहे अपना मम्मी पापा के पास जाएंगे, बोल के हम आ गए। कितना है तुम्हारा उम्र? 24 साल। तो बालिग है, जो कुछ तुम बोल रही हो अपना सोच समझ के बोल रही है, कोई सिखाया? कोई नहीं सिखाया हमको, वहाँ मारता था, फिनाइल देता था पीने के लिए, नमक खिलाया, ये सब हमको कोई नहीं, वहाँ सुनील प्रसाद सब किया है, नमक इतना सारा नमक खिलाया कि खाओ। फिनाइल कब पिलाया? मई में पिलाया था फिनाइल। कहाँ पिलाया? कहता तेरा माँ बाप मर गया तो तुम कहाँ जिंदा रहेगी, तुम भी मर जाओ, तुम मेरा बीवी सताने के लिए जिंदा रहेगी, उसकी साली बोली ना इसको मार दो तुमको 30,000 रुपया देंगे, मेरा बहन को मार दो हम तुमको 30,000 देंगे, तो हम नहीं मारे तो हमको मारने लगी, वो बोली मेरी बहन को मार दो जिसको कैंसर हुआ, हाँ जिसको कैंसर हुआ है, कहीं इसको मार दो हम तुमको 30,000 रुपया देंगे, तो मामा बोला बोलो ना हम भी जाके बोलेंगे कि मेरा से 1,00,000 रुपया लिया और मेरा बीवी को मारने आई थी, हम बोल देते हैं, हम बोले हम न किसी से आज तक पैसा नहीं लिए है ना, हमको अभी तक तो आप कमाए तो हमको देवे नहीं किए 1 रुपया, तो हम कहा लेंगे आपसे पैसा। क्या नाम था उसकी बीवी का? चंचल देवी। जब वो तुम नहीं थे उसको मारी तो तुमको फिनाइल पिला दिया? हाँ नहीं मारे फिनाइल पिला दिया हमको, सुनील प्रसाद पिलाया था, फिर उसके बाद फिनाइल पिला के फिर नमक खिलाया कि अब उल्टी करो, बहुत मारा, बहुत जगह इतना नहीं, बहुत पूरा ही सब में सब छील दिया है, देखिए पूरा नोच दिया है, एकदम इतना मारा है पूरा में उनको मार के नोचा है, ऐसे मारा था, बोला तुम ऐसे करेगी पूरा नोचा है मेरा शरीर में, एकदम नोच की सब नोच के एकदम की है पूरा, ऐसे नोची है इतना ज्यादा, बहुत मारी है, हमको इंसाफ दे दीजिए, मेरा 2 साल हम कमाए, मेरा पैसा मंगा दीजिए, हमको इंसाफ दे दीजिए बस। इंसाफ में क्या, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? मेरा हम अपना बेटी का नाम से 50,000 रुपया हम जमा करवाए थे LIC में, हमको मंगा दीजिए और मेरा जितना महीना हम कमाए हमको मेरा पैसा दिलवा दीजिए बस, और उनसे कुछ नहीं चाहते हैं, जितना किया हम उसको मारना चाहते हैं बस, जिस तरह हमको छड़ गरम करके हमको मारा है, जिस तरह हमको सिक्कर से मारा है, उसी तरह हम भी उसी को मारेंगे बस, हमको इंसाफ चाहिए और हमको कुछ नहीं बस, हमें जितना मारा बहुत दर्द है, हमको इसके लिए इलाज के लिए कुछ पैसा मंगा दीजिए कि इलाज हो जाएगा, ये सब मेरा इलाज के लिए पैसा दिलवा दीजिए बस, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इलाज का पैसा दे दीजिए, मेरा माँ बाप बहुत गरीब है, इतना नहीं कर पाया, नहीं दिखवा पाया, तो मेरा माँ जितना तक सकती उतना तक की, रात दिखवा दी। ठीक है।